पार्टी की नीतियों को कैसे आगे लेकर चलना है, कैसे हम लोगों को समन्वय स्थापित करना है, सरकार की जो उपलब्धियां हैं कैसे उसको जनता तक पहुंचाना है, यह हमारी प्राथमिकता शुरू से रही है। आदरणीय नीतीश कुमार जी ने सपनों का बिहार बनाया है, बिहार का कायाकल्प किया है। पार्टी प्रवक्ता अभिषेक झा इस वक्त मेरे साथ है। जो नई लिस्ट जारी की गई है उसमें संजय सिंह का नाम नहीं है प्रवक्ताओं की लिस्ट में। देखिए, इस बात की हमें कोई जानकारी नहीं है। कल टेलीफोन आया था कि 10:30 बजे पार्टी ऑफिस में उपलब्ध होना है और हम लोग आए और मीडिया सेल के भी लोग उसमें हैं। आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी के नेतृत्व में अभी बैठक हुई है, बहुत सारे सुझाव हम लोगों से मांगे गए हैं, बहुत सारे आदेश और दिशा निर्देश भी हम लोगों को दिए गए हैं। बस इतनी ही जानकारी हमारे पास। क्या लगता है प्रवक्ताओं से, आपको नहीं मालूम है कि प्रवक्ताओं से हटा दिया गया? नहीं, आप इसकी जानकारी हमारे पास नहीं है। आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष महोदय इस बारे में विस्तृत तरीके से बता पाएंगे, उनके ऑफिस या कार्यालय से आपको विस्तृत तरीके से मालूम चल पाएगा। हमें बस बुलाया गया था, दिशा निर्देश दिया गया है, इतनी ही खबर है हमारे पास। क्या कुछ दिशा निर्देश दिया गया, कुछ बताएं? नहीं, मैंने पार्टी की नीतियों को कैसे आगे लेकर चलना है, कैसे हम लोगों को समन्वय स्थापित करना है, सरकार की जो उपलब्धियां हैं कैसे उसको जनता तक पहुंचाना है, यह हमारी प्राथमिकता शुरू से रही है और मजबूती के साथ हम करेंगे। आदरणीय नीतीश कुमार जी ने सपनों का बिहार बनाया है, बिहार का कायाकल्प किया है, उसको लेकर हम आगे बढ़ेंगे। तो अभिषेक झा जी थे जिन्होंने कहा कि ऐसी कोई सूचना इनको नहीं मिली। हालांकि जो मीडिया में जो खबरें चल रही है कि जो नए प्रवक्ताओं की लिस्ट जो जारी की गई उसमें संजय सिंह का नाम नहीं है। तो इस वक्त हम जेडीयू दफ्तर में हैं, जेडीयू दफ्तर में, और बता दें कि इस वक्त जो बैठक, जैसा कि उन्होंने कहा कि जो बैठक बुलाई गई थी उसमें से विधान पार्षद नीरज कुमार भी थे, बिहार सरकार के पूर्व मंत्री, और निखिल मंडल, तमाम जो कुछ प्रवक्ताओं थे, अरविंद सिंह की मौजूदगी में प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में बैठक बुलाई गई थी और इसी कर्पूरी सभागार में बैठक बुलाई गई थी। बैठक से निकलने के बाद इन्होंने कहा कि ऐसी कोई इन्हें जानकारी नहीं मिली है कि संजय सिंह को प्रवक्ताओं की लिस्ट, मुख्य प्रवक्ता जो थे संजय सिंह, उनको उनका नाम जो है नए लिस्ट में नहीं है। हालांकि देखने वाली बात होगी कि जेडीयू तरफ से ऑफिशियली इस बात की जानकारी जरूर दी जाएगी, इस बात का इंतजार सभी को रहेगा। तो फिलहाल कितना ही, देखते रहे फर्स्ट पेज झारखंड। नमस्कार।